हेलो एवरीवन, तो आज हम बात करेंगे फिफ्थ सिक्स्थ और सेवेंथ रूल पे बेस्ड क्वेश्चंस की। तो सबसे पहले बात करते हैं फिफ्थ रूल पे बेस्ड क्वेश्चंस की। तो जो फिफ्थ रूल था वो ये कि हम कई जगह क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आइडेंटिटी या फॉर्मूला यूज करते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, टेन ए अपॉन वन माइनस कॉट ए प्लस कॉट ए अपॉन वन माइनस टेन ए, जिसको हम इक्वल टू प्रूव करेंगे वन प्लस टेन ए प्लस कॉट ए। ठीक, तो सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। तो हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले ली टेन ए अपॉन वन माइनस कॉट ए प्लस कॉट ए अपॉन वन माइनस टेन ए। तो सबसे पहले हम इसको साइन कॉस में सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे टेन है और इस तरफ कॉट है, तो टेन और कॉट को हम साइन कॉस में लिख सकते हैं। तो टेन को हमने यहाँ पे साइन ए अपॉन कॉस ए लिख लिया और यहाँ नीचे कॉट को कॉस ए अपॉन साइन ए। ठीक, इसी टाइप से हमने यहाँ पे कॉट को चेंज करके कॉस ए अपॉन साइन ए लिख लिया और यहाँ पे टेन की जगह साइन ए अपॉन कॉस ए लिख लिया। ठीक, तो अब ये एक्सप्रेशन हो गया साइन ए अपॉन कॉस ए होल अपॉन वन माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए होल अपॉन वन माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए। तो अब इस एक्सप्रेशन में इसको आप फर्दर सॉल्व कर लेंगे। नीचे जो डिनोमिनेटर में हमारे पास टर्म्स है इसमें एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ पे नीचे एलसीएम लेने के बाद ये टर्म हो जाएगी साइन ए अपॉन कॉस ए होल अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए होल अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक, अब इसको अगर हम रीअरेंज करेंगे तो ये टर्म हो जाएगी साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए इंटू में साइन ए माइनस कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए इंटू में कॉस ए माइनस साइन ए। ठीक, तो अब हमें इन दो टर्म्स में ये वाली टर्म एक जैसी दिख रही है, ठीक है, लेकिन इनका साइन एक दूसरे के अपोजिट है। तो हम इस वाली टर्म में से माइनस साइन कॉमन ले लेंगे तो ये दोनों नीचे वाली टर्म एक जैसी हो जाएंगे। ठीक, तो हमने इन दोनों में इस पूरी टर्म में से माइनस कॉमन ले लिया यहाँ पे। तो अब ये टर्म हो गई साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए ब्रैकेट में साइन ए माइनस कॉस ए और इस तरफ हो गया कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए ब्रैकेट में साइन ए माइनस कॉस ए। तो अब एक टर्म हमारे पास कॉमन आ गई। तो अब इस एक्सप्रेशन में हम इसका एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, नीचे हमारे पास एक टर्म इसमें कॉमन हो गई तो ये टर्म तो कॉमन एलसीएम आ जाएगा और यहाँ पे कॉस ए है लेकिन साइन ए नहीं है तो ये साइन ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा और इस तरफ कॉस ए नहीं है तो ये वाली टर्म कॉस ए से मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक, तो हमारे पास एलसीएम हो गया साइन ए इंटू कॉस ए इंटू साइन ए माइनस कॉस ए और ऊपर जो होगी इस हिसाब से टर्म हो जाएगी साइन क्यूब ए माइनस कॉस क्यूब ए। ठीक, तो ये टर्म बन गई साइन क्यूब ए माइनस कॉस क्यूब ए होल अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए इंटू साइन ए माइनस कॉस ए। ठीक, अगर हम न्यूमरेटर में देखें तो न्यूमरेटर में ऊपर फॉर्मूला बन रहा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक, तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज कर लेंगे। तो ये यहाँ पे फॉर्मूला यूज होगा तो ए का काम कर रहा है यहाँ पे साइन ए, बी का काम कर रहा है कॉस ए। ठीक, तो यहाँ पे हो गया साइन ए माइनस कॉस ए ब्रैकेट में साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन ए इंटू कॉस ए होल अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए ब्रैकेट में साइन ए माइनस कॉस ए। ठीक, तो अब साइन ए माइनस कॉस ए जो टर्म है ऊपर नीचे कॉमन है तो ये कैंसिल हो जाएगी। तो यहां से बचेगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन ए इंटू कॉस ए अपॉन साइन ए कॉस ए। ठीक, अब क्योंकि हमें पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए आइडेंटिटी होती है जो कि इक्वल टू वन होता है, तो इसको हमने डायरेक्टली वन के इक्वल लिख लिया प्लस साइन ए कॉस ए, यहाँ पे ये वैल्यू आ गई और नीचे जो वैल्यू थी साइन ए इंटू कॉस ए वो लिख लिया। ठीक, तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करके आ गया जो कि डायरेक्टली राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आया। तो अब हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड को लेंगे और उसको भी सॉल्व करके इसी वैल्यू तक रिड्यूस करेंगे। तो हमारे पास जो राइट हैंड साइड थी वो थी वन प्लस टेन ए प्लस कॉट ए। ठीक है, तो सबसे पहले हम टेन और कॉट को साइन कॉस के टर्म्स में चेंज कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे इसको चेंज कर लिया तो ये आ गया वन प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए। अब इस टर्म का हमने एलसीएम ले लिया तो एलसीएम आ गया साइन ए कॉस ए का एलसीएम आ गया। तो उस हिसाब से फिर यहाँ पे ये टर्म आ गई साइन ए कॉस ए प्लस ये साइन ए हो गया साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस ए बन गया कॉस स्क्वायर ए। ठीक, अब क्योंकि हमें पता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए आइडेंटिटी होती है जो कि वन के इक्वल होती है तो ये चेंज होके वन हो गया, ये वाली टर्म ऐसे की ऐसी रही और नीचे वाली टर्म भी ऐसी रही। तो अब ये टर्म हो गई साइन ए कॉस ए प्लस वन अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए जो कि हमारे लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है। तो अब बात करते हैं सिक्स्थ रूल पे बेस क्वेश्चंस की। तो सिक्स्थ रूल के अकॉर्डिंग हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं किसी भी एक्सप्रेशन में और उसको सॉल्व करके लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल दिखा देते हैं। ठीक,
तो एग्जाम्पल के लिए हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन है 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा, जिसको इक्वल टू प्रूव करना है कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। ठीक, तो इस क्वेश्चन में हम सबसे पहले इसकी राइट हैंड साइड ले लेंगे जो कि है कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। ठीक, अब कोसेक और कॉट को हम सिंप्लीफाई करके साइन और कॉस में चेंज कर सकते हैं। तो हमने कोसेक को 1 अपॉन साइन थीटा लिख लिया प्लस कॉट को कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिख लिया। ठीक, अब इसका ये होल स्क्वायर हो गया। अब क्योंकि दोनों में नीचे साइन थीटा कॉमन टर्म है तो एलसीएम साइन थीटा हो गया, तो इसको अब और रिड्यूस करके हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक, तो इन दोनों टर्म्स को हम अलग अलग भी कर सकते हैं। तो अगले स्टेप में हमने इन दोनों को अलग अलग कर दिया, तो 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अलग हो गया और साइन स्क्वायर थीटा अलग टर्म हो गई। ठीक, इस साइन स्क्वायर थीटा को हम चेंज करके 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि हमें आइडेंटिटी पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। वहां से हम साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं जो कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होती है। ठीक, तो ये टर्म अब रिड्यूस होके हो गई 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, अब इसी टर्म को फर्दर रिड्यूस करके हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। ये 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा आया यहां से, क्योंकि यहां पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है जो कि इक्वल होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी के। ठीक, अब इसमें अगर हम देखें तो एक एक टर्म कैंसिल हो रही है, 1 प्लस कॉस थीटा एक ऊपर भी है और एक नीचे भी है 1 प्लस कॉस थीटा, तो एक 1 प्लस कॉस थीटा से एक 1 प्लस कॉस थीटा कैंसिल हो गया और ये टर्म रिड्यूस होके हो गई 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा, जो कि हमारे लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है। और इस टाइप से ये क्वेश्चन प्रूव हो। अगला जो रूल है रूल 7, उसमें हम मिक्सचर्स ऑफ रूल्स की बात करते हैं जो कि आप यहाँ पे खूब सारे क्वेश्चंस में देख ही चुके हो। ठीक है, रूल 5 पे बेस क्वेश्चन जो हमने किया था वहां पे भी एक से ज्यादा रूल्स यूज हो रहे थे। रूल 6 जो देखा आपने उसमें भी खूब सारे रूल्स यूज हो रहे थे। इसी टाइप से थर्ड और फोर्थ रूल जो था उसमें भी एक से ज्यादा रूल्स यूज हो रहे थे। ठीक है, तो आई थिंक इसके लिए अलग से क्वेश्चन लेके डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। तो आई होप जिन रूल्स पे बेस क्वेश्चन आज हमने डिस्कस करे हैं वो आपको समझ में आए होंगे और आपको ये वीडियो भी पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब भी करें और साथ में वो नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस करें ताकि आपको हर अपडेट मिलता रहे। कीप सपोर्टिंग एंड थैंक यू सो मच।